जैसा कि आप सबको पता है कि ईद उल अज़हा और हज करीब है, तो उससे रिलेटेड जो है स्टमक और इंटेस्टाइन की हेल्थ के मुतालिक आपको कुछ अवेयरनेस देना चाहूँगी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर महरीन फ़ारूक है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ लाहौर में। जैसा कि आप सबको पता है कि ईद उल अज़हा और हज करीब है, तो उससे रिलेटेड जो है स्टमक और इंटेस्टाइन की हेल्थ के मुतालिक आपको कुछ अवेयरनेस देना चाहूँगी। सबसे पहले, जैसा कि इस हज और ईद उल अज़हा के मौके पे हमारा गोश्त का इस्तेमाल और कुर्बानी की वजह से लाल वाला गोश्त, जो रेड मीट है, उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो उसमें सबसे अहम ये है कि आप गोश्त का इस्तेमाल इतदाल से करें। और दूसरा ये है कि गोश्त का, कुर्बानी की जो गोश्त है, उसको हमने कुछ अर्सा लटका के रखना होता है, 1 घंटे तक। उसके बाद जब खून सारा बह जाए, उसके बाद उसको पकाने के लिए इस्तेमाल करें। बेतहाशा गोश्त इस ना खाएं, मिनिमम अमाउंट में खाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं, और उसको बहुत ज़्यादा ऑयल, स्पाइसेस और फ्राइड करने की बजाय उसको स्टीम्ड या बॉयल्ड फॉर्म में खाएं। क्योंकि जो मैदे का मसला है वो बारबेक्यू, फ्राइड फूड और बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड से बढ़ता है। इसी तरह हज के मौके पे, क्योंकि जो लोग जाते हैं वहाँ पे, वो आउटडोर फूड ही इस्तेमाल करते हैं, रेस्टोरेंट से या होटल से या अपने हज कैंप में से खाते हैं, उसमें वो वाला फूड आप चूज़ करें खाने के लिए जो उसी वक्त फ्रेशली बना हुआ हो, और पैक्ड स्टोर्ड खाना ना खाएं। अगर फल और सब्ज़ी जो आप इस्तेमाल करें उसको ख़ुद अच्छी तरह धो के फिर इस्तेमाल करें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो ख़ुराक आपको मैदे के मसाइल से बचाएगी, उसमें सबसे अहम है कि आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। दूसरा, दही जो है वो एक नेचुरल प्रोबायोटिक है, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन दही साफ़ सुथरा और पैक्ड होना चाहिए और एक्सपायरी डेट देख के इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़, पुदीने का इस्तेमाल मैदे के लिए बहुत मुफीद है। अब हम कुछ आपको एहतियाती तदाबीर बता देते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई मैदे का मसला हो जाए या डायरिया हो जाए, जिसको पतले पखाने लगना कहते हैं, उस सूरत में, या कब्ज़ की शिकायत हो जाए, तो उसमें आप सबसे पहले तो अपनी खुराक को देखें और उसको हेल्दी और जो साफ़ सुथरी खुराक है उस पर स्विच करें। फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, निमकोल आपको जैसे ही अवेलेबल हो सके उसका इस्तेमाल करें, और जो प्रोबायोटिक्स हैं, जिसमें प्रोटेजे हमारा एक प्रोबायोटिक है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो प्री और प्रोबायोटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, और उसमें नेचुरली जो हमारी गट में हमारी इंटेस्टाइन जो है आंतड़ी, उसमें जो बैक्टीरिया हिफाजत के लिए मौजूद होते हैं, वो उन्हीं से बनाया गया है, तो उसका इस्तेमाल आपको फ़ायदा देगा। और साथ में दही, पुदीना और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दवाई के लिए आपको करीबी डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। आप सबको ईद उल अज़हा बहुत मुबारक हो, और हज पे जो लोग जा रहे हैं वो खैरियत से जाएं, एंड हैव अ ब्लेस्ड हज जर्नी।